Hello there, welcome to my channel. This is Priya Bhargava. Today we are going to do Unit 1 Physical Development of Block 2 MPC-002 Lifespan Psychology. And this physical development is for the age group 6 to 11 years, early school years. So, agar aap प्रीवियस वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट लास्ट वीडियो में हमने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात की थी. ये फर्दर लेट चाइल्डहुड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इन्होंने अर्ली स्कूल ईयर्स के नाम से मेंशन किया है. तो अगर अर्ली स्कूल ईयर्स में आप देखें तो इसमें एज ग्रुप इंक्लूड होगा 6 to 11 ईयर्स. सो 6 to 11 ईयर्स के बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेलिंग दी गई है. दो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम सेक्शन इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है. सो हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको अगर आपको डिटेल चाहिए है, क्योंकि ये डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप एक्चुअल काउंसलिंग करेंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है. बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी के बारे में बात करूँगी. सो इस एज ग्रुप को हम मिडिल चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं, जो पीरियड होता है एज 5 to 6 से लेके एज 11 to 12. अगर आप यहाँ देखो तो बुक में अच्छे से मेंशन किया गया है. ये जो पीरियड है ये बहुत स्लो चेंजेस का पीरियड है और स्टडी फिजिकल ग्रोथ रहता है. बहुत रैपिड आप इनमें ग्रोथ नहीं देखेंगे. जो रैपिड डेवलपमेंट होगा इनमें वो आप देखेंगे कॉग्निशन में एंड सोशल स्किल्स में. लेकिन मोटर एबिलिटीज़ भी इनकी परफेक्ट हो जाएंगी इस टाइम तक, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत कॉन्स्टेंटली चलेगा, एकदम से बहुत फास्ट नहीं होगा. सो कंपेयर टू बाकी एज, जो प्रीवियस एजेस थी नियोनेटल और प्रीनेटल एजेस, उसमें जितना फास्ट था उतना फास्ट इस एज ग्रुप में नहीं मिलेगा. इस एज ग्रुप को हम गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे इस एज ग्रुप में गैंग बनाते हैं, ग्रुप बनाना पसंद करते हैं. और ये स्मार्ट एज होती है क्योंकि ये अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते हैं. जो भी सीखते हैं वो आगे आके बताते हैं कि उनको ये आता है और कैसी इन्फॉर्मेशन है उनके पास. इनकी बहुत सारी स्किल्स रीडिंग राइटिंग इन सब की डेवलप होती है. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, फिजिकल ग्रोथ इन अर्ली स्कूल ईयर्स. सो इसमें इन्होंने हेडिंग के साथ साथ सब कुछ दिया है. मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगी क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा डिटेल है. सो ये तब काम आएगा जब हम किसी प्रैक्टिस में आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया. तो अर्ली ईयर्स में अगर आप देखें तो ये बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड्स, जो पहले इनके ग्रोथ के पीरियड थे उस एज से 5-6 ईयर्स से पहले बहुत फास्ट इनकी ग्रोथ हुई है, लेकिन इस एज में थोड़ा स्लो हो जाएगा. तो इन्होंने हाइट एंड वेट की बात की है. तो अगर आप हाइट एंड वेट देखें तो इन्होंने बताया है कि इनकी जो वेट है 12 ईयर्स तक बॉय जो वेट होता है वो 29.8 केजी हो जाता है गर्ल्स में, एंड बॉयज़ में 28.5 केजी पहुंच जाता है. जो इनकी एज 6 टू 12 ईयर्स में अगर आप देखें तो ये 2 टू 2.5 इंचेस हाइट में बढ़ते हैं एवरी ईयर, और जो इनका वेट गेन होता है वो 3 to 6 पाउंड होता है इस तरह से. बस यही इतना ही इतने सेक्शन में जो सेंसिबल चीज़ दी है. बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप इस टेबल से देख सकते हैं. अगर आप इस टेबल में देखें तो ये एज ईयर्स दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये एजेस हैं. गर्ल्स के बारे में पहले बताया कि गर्ल्स की हाइट 6 ईयर्स में 107.4 सेंटीमीटर होगी और 6 ईयर्स की एज में इनका वेट 16 केजी होगा. ऐसे ही फिर 7 ईयर्स की गर्ल जो होंगी उनकी एवरेज जो हाइट होगी वो 112.8 सेंटीमीटर होगी और जो वेट होगा वो 17.6 होगा. सिमिलरली बॉयज़ का भी इन्होंने दिया है, 6 ईयर्स का जो बॉय होगा उसकी 108.5 सेंटीमीटर हाइट होगी और वेट होगा 16.3. सो वी कैन कंपेयर फ्रॉम दिस टेबल. तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कैसे पढ़नी है ये टेबल. दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर अ जनरल नॉलेज यू कैन यूज़ दिस बुक. सो दीज बुक्स आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग वेरी वेल. अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी वेट और हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट है फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है. फैमिली हम हेरिडिटी में क्या लेके आए हैं, और एनवायरमेंट,
एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, दोनों चीज़ें. हेरिडिटी वो है जो हमारे जीन्स में आई है, हम जीन्स में हमारे जो इन्फॉर्मेशन होगा उसी की वजह से हमारी हाइट होगी और हमारा वेट में चेंजेस आएंगे. बट एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है हेरिडिटरी पोटेंशियल्स, क्योंकि अगर एनवायरमेंट ठीक नहीं है, खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा. और अगर माहौल अच्छा नहीं है तो भी इनमें चेंज आएगा, और उतना जितना वो अचीव कर सकता है जीन्स की वजह से वो नहीं कर पाएगा अगर एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छा नहीं है तो. सेकेंड है न्यूट्रिशन. अगेन न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है. न्यूट्रिशन अगर ठीक से नहीं मिला तो स्पेशली वेट पे असर जाएगा ज़्यादा, और हाइट पे भी जा सकता है. जिन बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है वो ज़्यादा लंबे होते हैं और प्यूबर्टी भी जल्दी अचीव कर लेते हैं. सो पुअर नरिशमेंट वालों को प्यूबर्टी लेट हो जाती है, और अपनी उनकी जो हेरिडिटरी पोटेंशियल्स हैं उनको वो अटेन नहीं कर पाते टाइम से. इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करें तो इनका ये इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर होता है तो एड्रीनल स्टीरॉयड एक्स्ट्रा सिक्रीट होता है. एड्रीनल स्टीरॉयड इज़ अ हार्मोन. ये जब एक्स्ट्रा सिक्रीट होता है तो ये इनहिबिट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन, और जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा ठीक से तो ग्रोथ क्या है कम हो जाएगी, डिले हो जाएगी. सो हमें बच्चे को स्ट्रेस से बचाना चाहिए सो दैट वो अपनी एक्चुअल ग्रोथ को अचीव कर सके. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगेन अगर पैसा नहीं है, सोसाइटी ठीक सही जगह पे नहीं रहता है बच्चा, तो वो उसका हाइट पे असर पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा. हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, अगेन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो दोनों चीज़ें हाइट एंड वेट दोनों पर असर पड़ने वाला है. एंडोक्राइन फंक्शनिंग, एंडोक्राइन फंक्शनिंग की अगर बात करें तो ये एंडोक्राइन फंक्शनिंग रिजल्ट करता है नॉर्मल साइज में पहुंचने के लिए, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो ड्वार्फिज्म हो जाता है. ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन आना. और अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो ये जायंटिज्म हो जाता है. इसमें जायंटिज्म लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर ये स्पेलिंग सही है कि नहीं, बट आई थिंक दिस इज कॉल्ड जायंटिज्म. ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होने से जायंटिज्म होता है. सेक्स, जो चाइल्ड गर्ल्स होती हैं इस स्टेज पे वो ज़्यादा हैवियर होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. सो गर्ल्स की प्यूबर्टी भी पहले आ जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. सो ये पॉइंट हैं जो पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएँ, क्योंकि इसमें ये पॉइंट वाइज दिया है. तो जिन जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं उसमें चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं. 9 ईयर्स तक का इन्होंने बताया है गर्ल्स का कि ये बहुत जल्दी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. फिर शू साइज़ एंड फुट लेंथ के बारे में इन्होंने बात की है. अगेन अगर हम आगे जाएं तो इन्होंने बताया है अगर अंडर नरिश्ड होता है चाइल्ड तो वो उसका स्ट्रेचर छोटा होता है, उसका जो फिजीक है पूरी बॉडी है वो छोटी दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू वेल नरिश्ड चाइल्ड. सो सरकमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्होंने बताया है 6 to 11 ईयर्स में. सो अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट जो है बहुत रैपिड होता है कब, जैसे मैंने पहले बताया था, प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले, न्यू नेटल मतलब बर्थ के बाद. इन्फेंसी आपको पता ही है 2 साल तक, बर्थ से लेके 2 साल तक. एंड देन एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है जहाँ पे स्लो हो जाता है. चाइल्डहुड के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्लो होता है, एडोलेसेंस में भी आपको बड़ा ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे. फिर इन्होंने बताया कि कैसे स्किल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये बढ़ती है इनकी आगे जाके. ये बहुत डिटेल्स है, एज के साथ साथ दिया है, तो आई वुड स्किप दिस टॉपिक क्योंकि लास्ट में इन्होंने समरी में सब कुछ दिया है. सो अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक इन डिटेल. सो एक एक चीज़ को अगर मैं बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड सिंस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियसली एग्जाम्स में नहीं आया है तो पॉसिबिलिटी इसकी कम ही है कि आगे भी आए. अगर ये देखें तो ये अगर बच्चे में अटेंशन गेटिंग चेंजेस दिखाई देने लगे, बच्चा ज़्यादा अटेंशन सीख करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि इनकी प्यूबर्टी के ये साइन होते हैं, यानी प्यूबर्टी शुरू होने वाली है. सो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इन स्टैंडर्ड 10th. सो ये अगर आपको पढ़ना है तो आप इस टॉपिक में पढ़ सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. अगेन इन्होंने टीथ, बोन और मसल के बारे में बताया. टीथ में क्या होता है, जो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत होते हैं, 20 और वो मिल्क टीथ होते हैं सारे. लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में आते आते 28 टीथ हो जाते हैं बच्चों के, और एडल्ट के 32 टीथ होते हैं.
बोन्स की अगर बात करें तो मिडिल चाइल्डहुड में जो बोन्स होती हैं वो बॉडी की बनना शुरू हो जाती हैं और ग्रो हो जाती हैं साइज में भी और स्ट्रेंथ में भी. और कैल्शियम जो होता है शुरू में बोन्स जो होती हैं वो ब्रिटल भी होती हैं पहले और ब्रेक होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में आते आते सफिशिएंट कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है बोन्स में, सो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में. और क्योंकि उनकी एंकर एज बढ़ जाती है, एंकर एज मतलब ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है बोन्स की मसल के साथ. सो मसल एंड फैट के बारे में बात करें तो गर्ल्स में फैट ज़्यादा होता है, बॉयज़ में मसल ज़्यादा ग्रो होते हैं. गर्ल्स इसीलिए फैटियर ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. और ये जो फैट है ये आर्म्स लेग्स और ट्रंक में डिपॉजिट होता है. बॉयज़ की मसल्स ज़्यादा बढ़ती हैं इसीलिए बॉयज़ में स्टेमिना ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिंस दे हैव मोर मसल्स. अगर आप आगे जाएं देखें तो इनमें इन्होंने मस्कुलर मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात की है. सो अगर मोटर मसल्स दो तरह की बताई हैं इन्होंने, लार्ज मसल्स एंड स्मॉल मसल, और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फाइन एंड ग्रॉस बताया. तो अगर आप मसल्स की बात करें तो लार्ज मसल्स वो जो बड़ी बोन्स के साथ है, जैसे कि हमारे आर्म्स हो गए, हमारे थाई एरिया हो गया, लेग हो गया. सो यहाँ पे जो मसल्स होंगी वो लॉन्ग मसल्स होंगी, बैक पे भी लॉन्ग मसल्स होंगी. जो फिंगर्स में होंगी वो फाइन मसल्स मानी जाएंगी. तो जो मसल्स होती हैं, मसल एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आता है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, और ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं. सो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन है जहाँ मसल्स मूव करती हैं. अगेन अगर हम देखें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये दो तरह के फाइन एंड ग्रॉस बताएं. ग्रॉस होते हैं जो लंबे मूवमेंट, बड़े मूवमेंट के लिए होती है, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सब के लिए. एंड फाइन होते हैं जिसमें हम स्टिचिंग, ड्राइंग, राइटिंग, ये सब सीखते हैं. सो इन्होंने यहाँ पे पूरा बहुत डिटेल में दिया हुआ है. इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फॉर योर, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट. आगे अगर हम देखें तो इन्होंने थोड़ा सा और बताया हुआ है कि 6 to 11 ईयर्स में हैंड राइटिंग इनकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है. छोटी एज में बच्चों को प्रेशर, 5 साल से पहले बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो लिखें. क्यों? इसीलिए क्योंकि जो मसल्स हैं वो कम्प्लीटली बनी नहीं होती, और अगर हम उनको प्रेशराइज करते हैं लिखने के लिए तो उनकी मसल डैमेज होने का खतरा होता है. सो इसीलिए 5 या 5.5 ईयर्स के बाद ही बच्चों को लिखवाना चाहिए, राइटिंग स्किल पे जोर देना चाहिए. 6 और 11 ईयर्स के बीच में इनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करना शुरू हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है, बेटर भी हो जाती है, और ये बहुत सेंसिटिव पीरियड भी माना जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये करना चाहते हैं, सो ये बहुत जल्दी सीखते भी हैं बिकॉज़ दे आर विलिंग टू डू एक्टिविटीज़. जंप करेंगे, स्किप करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, फास्ट, बहुत फास्ट होंगी इनकी मोटर स्किल्स. सो ये सब. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ ऑलरेडी कम इन द एग्जामिनेशन. एज आई हैव टोल्ड यू, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पे ये स्टार का मार्क दिखता है यानी कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है. सो न्यू सब्सक्राइबर्स में मार्क दिस थिंग इन योर, इन देयर बुक्स. सो डिसऑर्डर की बात करें तो एक डिसऑर्डर बहुत कॉमन होता है इन बच्चों में, उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की दो कैटेगरी होती है, एक होता है हाइपर एक्टिव एंड दूसरा होता है हाइपो एक्टिव. तो ADHD के नाम से भी हम इसे जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर. तो हाइपर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जहाँ हाइपर वर्ड आता है मतलब कि ज़्यादा, एंड जहाँ हाइपो वर्ड आता है उसका मतलब होता है कम. सो अगर हाइपर एक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है मतलब कि बच्चा ओवर एक्टिव है, डिस्ट्रैक्टेबल है, लोगों को परेशान करेगा, इम्पल्सिव होगा, इरिटेबल होगा, मूडी होगा, स्लो होगा लर्निंग में, इनअटेंटिव होगा. सो बहुत ऑब्वियस है, एक अगर आपको इसकी एक्टिविटी पता है हाइपर एक्टिव है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी. सो फिजिकली ये बच्चे जो होते हैं मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, शांति से बैठते नहीं है, अब कोई भी एक्शन को रोक नहीं पाते ये अपने, और कॉन्स्टेंटली डाइवर्ट हो जाते हैं अगर ऑब्जेक्ट या साउंड्स को सुनकर. और इनका बिहेवियर बहुत कोएटिक होता है, यानी कि बहुत इधर उधर हलचल मचाने वाला, और ये भूल जाते हैं जो भी इन्हें बताया जाता है, क्या करने के लिए बोला जाता है, ये भूल गए होते हैं इन्हें करना क्या है. सो कोई भी काम ये सीक्वेंशली नहीं कर पाते हैं, और बहुत अनॉइंग होते हैं ये, और अनपॉपुलर होते हैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में. हाइपोएक्टिव बच्चा जो होता है वो बिल्कुल उल्टा है इससे, कि उसकी एक्टिविटी बहुत कम होगी, ये चुपचाप बैठा रहेगा, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग इसकी होगी,
और ये किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, तो इसीलिए इस पे नज़र भी नहीं जाती किसी की कि ये कुछ एबनॉर्मल है बच्चा, और अननोटिस्ड होता है कई सालों तक, इस पे ध्यान ही नहीं जाता किसी का कि ये कुछ इसमें फॉल्ट है. सो इसकी कोई कंप्लेंट्स भी नहीं आती. और अब इनकी मोटर स्किल के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो आई डोंट वांट टू रिपीट, क्योंकि एक ही चीज़ को इन्होंने तरह तरह से जगह जगह पे रिपीटेशन किया हुआ है. सो आई थिंक वही गेम्स के बारे में इन्होंने बताया है, फिर फाइन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जोर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें फाइन मोटर स्किल्स की, तो इनकी क्योंकि ब्रेन स्ट्रेंथ और ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, इनकी ब्रेन की साइज़ बढ़ना शुरू हो गई होती है, तो इसीलिए ये 12 साल तक की एज में पूरी कंप्लीट ब्रेन की ग्रोथ हो गई होती है, तो ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो गया होता है इनका. और ये अपने सेल्फ एस्टीम पे, लो सेल्फ एस्टीम उन बच्चों की हो जाती है जो कॉम्पिटेटिव नहीं होते, शाइनेस की वजह से या किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे वांट टू लर्न, दे वांट टू डू सेवरल एक्टिविटीज. बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें कि इतनी छोटे में इनका हेड की साइज बड़ा होता था और एज कम्पेयर टू बॉडी प्रपोर्शन, सो इस एज में आते आते इनका हेड जो बॉडी प्रपोर्शन है वो बराबर हो जाएगा हेड से, और जो लोअर फेस जो छोटा दिख रहा था वो भी ग्रो होके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनकी नेक लंबी हो जाएगी, जो चेस्ट है वो ब्रॉडन हो जाएगा. तो दे हैव जस्ट मेंशन कि बॉडी की शेप्स में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे. सो आप एक बच्चे कोई भी 6 से लेके 12 साल की उम्र तक के बच्चे को कंपेयर कर सकते हैं छोटे बच्चों से, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके जो बैली निकली हुई होती है छोटे बच्चों की, वो अंदर हो जाएगी इनकी. सो ये ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, बेबी फैट चला जाएगा इनका. सो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं. अगेन फिर हर एक एज ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आएंगी, इनकी आई साइट के बारे में बात की गई है कि बायनोकुलर विजन, मतलब कि जो दोनों आईज जो वर्क करती हैं वो साथ ठीक से इस्टेब्लिश हो जाएगा, बायनोकुलर विजन, और जो इनकी फार साइटेडनेस थी 6 to 8 ईयर्स की एज में वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, आईज़ जो हैं वो एडजस्ट करना शुरू हो जाएंगी, एडल्ट जैसी आई साइट होने लगेगी इनकी. जो बच्चे हैं उनमें ये मोर फ्लैक्सीबल होते हैं एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके लिगामेंट जो होते हैं ज़्यादा टाइट नहीं होते, दैट इज़ वाई ये बहुत आराम से बहुत सारी एक्टिविटी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट इनमें दिखता है. और इसीलिए इनमें अभी भी बोन्स जो होती हैं वो पूरी नहीं बनी होती, इस वजह से इनके फ्रैक्चर्स की चांसेस लेकिन ज़्यादा होती हैं. सो इनका पोस्चर भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, इनके शोल्डर्स, एब्डोमेन, ये सब की अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो जाती है. तो यू कैन गो थ्रू इट सिंस इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो आई एम जस्ट रनिंग फास्ट ऑन दिस टॉपिक. सो मसल एंड फैट के बारे में अगेन वही सेम चीज़ रिपीटेशन किया, अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे समरी है. अगर फिजिकल चेंज ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स बताते हैं तो आपको ये समरी, अगर समरी बोलते हैं दैट इज़ फाइन, अगर वो समरी वर्ड यूज़ नहीं करते तो आपको ये पीछे जो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, आपको हर एक टॉपिक इनकी हेडिंग डाल के इसमें थोड़ा डिटेल डाल के पेपर में लिख के आना होगा. सो दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है एक ही चीज़ लेकिन कई बार रिपीट करके दिए, एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई हैव जस्ट शॉर्टन्ड इट. सो इन्होंने बताया सेंसरी सिस्टम जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, इनका हार्ट लंग्स कंटिन्यू होते हैं मैच्योर होने के लिए लेकिन बहुत स्लो रेट से होते हैं. ब्रेन ग्रोथ जो होती है कंप्लीट हो जाती है 11 से 12 ईयर्स तक. ग्रोथ जो होती है स्कूल ईयर्स में वो स्लो होती है, स्टडी होती है प्यूबर्टी तक. एंड गर्ल्स जो होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ के कंपेरिजन में. जो एवरेज चाइल्ड होता है वो 2 to 2.5 इंचेस बड़ा होता है, और वेट जो होता है 3 to 6 पाउंड्स हर साल बढ़ता रहता है. फिर गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादा लंबी होती है और हैवियर होती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में. ग्रोथ जो होता है वो लेग्स, आर्म्स और फेस पे आपको दिखाई देगा. जो बेबी टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से. तो ये समरी है, अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो इसकी डिटेल्स भी आप आराम से लिख सकते हैं जो पीछे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया.
So since it has got a star, that means it could come in your examination. Motor skill development, again star, that means ye exam mein aayega. Is chapter mein ye hi topic zyada important hai. So motor skill matlab unka coordination kaisa hai, movement kaisa hai muscle aur bones ka. To jo children ki body hoti hai wo bahut palleable hoti hai adolescents ke comparison mein. Isliye ye bahut jaldi seekh jate hain flexible hona. To ye bahut jaldi seekh jate hain. Jo children hote hain wo बहुत जल्दी सीख जो चिल्ड्रन होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता उनका लर्निंग में न्यू स्किल सीखने में क्योंकि वो बहुत कम सीखे हुए होते हैं पहले से तो इसीलिए वो आगे जल्दी सीख जाते हैं फिर जो पूरा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने की वजह से ये जल्दी लर्निंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रोन अप पीपल फिर फोर्थ है कि ये जो एडोलेसेंट और एडल्ट्स होते हैं इनको रिपीटेशन पसंद नहीं होता लेकिन बच्चों को पसंद होता है सो ये रिपीट करके एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ें और एन्जॉय करते हैं रिपीटेशन और बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं ये मास्टरी में कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करके सीखना चाहते हैं ये और इनकी क्योंकि ड्यूटीज़ कम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है इसलिए इनके पास बहुत टाइम होता है ये करने के लिए इनका कोऑर्डिनेशन जो होता है स्मॉल और लार्ज मसल्स का बहुत रिफाइंड होता है इसीलिए ये रीडिंग राइटिंग प्लेइंग से लेके सब कुछ कर सकते हैं टीम गेम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इनका टीम वर्क बहुत सॉलिड होता है और दे एन्जॉय प्लेइंग इन ग्रुप्स और ये सारी रनिंग जंपिंग ये सारी चीज़ें ये करना पसंद करते हैं फिर कोऑपरेटिव प्ले में हेल्प बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है सो अगर आप देखें तो इसी का ही समरी यहाँ पे दी है मेजर मोटर डेवलपमेंट सो अगर आप इतना पढ़ लेंगे और इसका डिटेल ऊपर रीड कर लेंगे सो दैट वुड बी इनफ सो अगर मैं मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो इन्होंने यहाँ बताया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो इम्प्रूव इनमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है रनिंग जंपिंग सीक्वेंसिंग फुट मैनेजमेंट बैलेंसिंग थ्रोइंग कैचिंग इन सब में फिर ये इनका स्पोर्ट्स गेम्स म्यूजिक हॉबीज इन सब में बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप होती है इस एज में इनका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव हो जाता है यानी कि हमने जैसे ही उनको कमांड दी वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं तो ये इनका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है मतलब जब आप बॉल फेंकते हो या टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलते हैं तो बॉल पे ध्यान दे के एंड उसको हिट करना तो इसको बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट वो इनका इम्प्रूव हो गया होता है कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना इस ईयर में बहुत ज़्यादा कॉमन दिखेगा लेफ्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन इम्प्रूव हो जाता है मतलब ये इनको समझ आ जाता है सामने वाले का लेफ्ट कौन सा है और खुद का लेफ्ट कौन सा है और सामने वाले का राइट कौन सा होगा सो इस तरह से ये पता लगा लेते हैं वेल स्टैब्लिश हेडेडनेस होती है इनकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो गई होती हैं गर्ल्स में डेक्सटेरिटी ज़्यादा होती है बॉयज़ के कंपेरिजन में यानी फ्लैक्सीबिलिटी सो गाइज दिस वॉज द होल चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करी अर्ली स्कूल एज के बच्चों की सो दैट वॉज द ईजियर वन नेक्स्ट चैप्टर जो हम सेकेंड यूनिट करेंगे वो कग्निशन सोशल इमोशनल मॉरल डेवलपमेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन सो मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें इस वीडियो को डू कमेंट बिलो द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर बाय बाय